देवेंद्र नगर चौक पर छोटी छोटी दुकानें हैं। इन दुकानों में कोई चाय की दुकान है, फोटोकॉपी की दुकान है, पान की दुकान है, चिप्स कुरकुरे की दुकान है, और ये छोटे दुकानदार दिन भर अपना धंधा करके कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ऐसे ही एक दुकानदार हैं, जॉनी टी स्टॉल, उनके ऑनर से बातचीत करते हैं। ये नमस्ते चौक भी बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं? कई लोगों का मुँह से ये सुना हूँ, नमस्ते चौक भी बोलते हैं, क्योंकि कुलदीप जुनेजा जी यहाँ बैठते हैं तो हर इंसान को नमस्ते करते करते वो नमस्ते चौक ही बन गया है, ये मेरा मानना है। आपका मानना है? चलिए दूसरे से पूछ लेते हैं कि क्या वजह है। बाबा जी नमस्कार, कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकानदारी दुकानदारी तो ऐसी है, नोटबंदी के बाद GST लगने के बाद तो और ख़राब हो गया। छोटे दुकानदारों को असर हुआ है? बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब नोट तो जितने थे मार्केट में वापस आ गए हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ग्राहकी मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो ग्राहकी आती ही नहीं है। ये निराशा है आम जो छोटे दुकानदार हैं उनके मन में। अच्छा, इस चौक को नमस्ते चौक क्यों बोलते हैं? ये तो नमस्ते चौक मतलब ये इसका नाम रखे हैं ना, ये बढ़ते कदम वाले नाम रखे इसका। जी क्यों? अब ये नहीं रहा नेताजी बैठते हैं। कौन नेताजी? कुलदीप जुनेजा बैठते हैं। अच्छा, तो इस चौक का नाम नमस्ते चौक इसलिए है कि यहाँ पे कुलदीप जुनेजा बैठते हैं, तो उनको बैठने से क्या ताल्लुक है यहाँ पे? वो इज्जत देते इज्जत लेते हैं, इसलिए नमस्ते चौक कहलाता है। अच्छा, नमस्ते करते हैं सबको? हाँ। यहाँ से जितने लोग गुजरते हैं सबको नमस्ते करते हैं, इसलिए इस चौक का नाम नमस्ते चौक कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुलदीप जुनेजा इस वक्त दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की होती है कि नहीं होती है। 2008 से 2013 तक विधायक रहे, लेकिन 2013 में श्रीचंद सुंदरानी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक कठिन मुकाबले में उनको करीब 2,000-2,500 वोट से हरा दिया था। उसके बाद से लगातार सक्रिय बने हुए कुलदीप जुनेजा। जी जी जी। और सुंदरानी जी कैसे सक्रियता उनकी है? सुंदरानी जी 5 साल रहे, लेकिन 5 साल में इतना विकास नहीं हुआ। जुनेजा जी बहुत अच्छा विकास किए थे और वो लोगों की बहुत मदद करते हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा है, सबका काम करवाते हैं वो। जुनेजा जी का बहुत अच्छा है चाल चलन। आप बताओ क्या लग रहा है इस बार उत्तर में प्रत्याशी को लेकर के? सबसे ज़्यादा सस्पेंस है ना, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया ना BJP ने। कांग्रेस आना चाहिए सर। कांग्रेस आना चाहिए क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई ना BJP में अभी। तो कांग्रेस क्या महंगाई से निजात दिला देगी? मौका मिलना चाहिए सर सबको, एक बार मौका सबको मिलना चाहिए, तब तो पता चलेगा। और कांग्रेस में जितने हैं सब नए प्रत्याशी हैं, युवा लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहाँ पे युवा नहीं बल्कि जो अनुभवी लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है। क्या लग रहा है मैडम इस बार किसको आना चाहिए? सभी बराबर है। अच्छा, आप मन के मुद्दा कहाँ हुए? अभी नहीं बता सकते। नहीं, आप मन कर मुद्दा मतलब का चीज ला आप मन ध्यान में रख करके वोट देहू? वही तो अभी से नहीं बता सकते ना। चलो बाबा जी से पूछिए, क्या मुद्दा इस बार लग रहा है इस चुनाव में रहेगा? इस चुनाव मुद्दा तो बहुत आसान नहीं है भाजपा के लिए। हाँ। लेकिन अब ये सरकार तो इन्हीं की बनेगी, क्योंकि अजीत जोगी ये सब मिल करके बनाएंगे सरकार। बाकी अजीत जोगी तो अपनी सरकार बना रहे हैं ना? नहीं, वो तो सब मिले हुए हैं ना, सब ये अजीत जोगी मिले हुए हैं। और क्या, किसके साथ? रमन सिंह के साथ में, भाजपा के साथ में। पैसा तो सब उन्हीं के जा रहा है ना। तो क्या लग रहा है आपको? सरकार तो इन्हीं की बनेगी भाजपा की, टक्कर जरूर रहेगी, बाकी सरकार तो इन्हीं की बनेगी। और यहाँ उत्तर से कौन इस बार आगे रहेगा? हालांकि ये भी तय नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा। है ना कि ये जुनेजा जी को टिकट मिला तो जुनेजा कुलदीप जुनेजा निकाल लेंगे। और एक अजीत कुकरेजा का नाम सामने आ रहा है, वो नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएगा। क्यों? युवा है, नया है? नहीं आ पाएगा। इनका जो अप्रोच बढ़िया है इनका भी, क्योंकि 5 साल हारने के बाद भी एक दिन भी गैप नहीं किए, यहाँ ना बैठे हों, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, जो भी हो मतलब। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नमस्ते नमस्ते करने से क्या होगा? लोग सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। आज 5 साल तक जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा करते हैं, बराबर उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, सेवा करते हैं, पैसे की मदद करते हैं,
हर चीज़ की मदद करते हैं। चलिए कुछ और दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि जाहिर तौर पे आप लोग भी उत्तर विधानसभा के मतदाता हो, क्या इस बार आप लोग के सामने मुद्दा रहेगा? सर हम तो पहले जो जीते थे उसी को हम मुद्दा देंगे, राजेश मूढ़त को। राजेश मूढ़त को वोट दोगे? हाँ। आप लोग पश्चिम के मतदाता हो? हाँ। आप कहाँ के हो? मैं शहीद राजू पांडे नगर का हूँ। हम लोगों का विशाल शर्मा है। विशाल शर्मा को हर साल वोट देता हूँ। अच्छा, ग्रामीण का इलाका है। सत्यनारायण शर्मा? सत्यनारायण सर। क्या चर्चा चल रही है आजकल राजनीति में? जो चर्चाएं चलती हैं अक्सर पान की दुकानों पर चलती हैं, चाय के ठेलों पर चलती हैं, क्या चर्चा चल रही है? अभी जनता मौन है। जनता मौन है तो चर्चा क्या चल रही है? चर्चा कुछ नहीं, अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। प्रत्याशी कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, प्रत्याशी को देख करके लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो प्रत्याशी घोषित नहीं है। तो इस मौन को किस तरीके से समझते हैं आप? अब इस मौन को अब जनता समझे भाई, वो अपना जब मिलेंगे जुलेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। ये प्रत्याशी को देखेंगे, विकास के नाम पर वोट देंगे, प्रत्याशी को देख करके वोट देंगे, प्रत्याशी क्या है कैसा है। अच्छा, केंद्र में 4.5 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 15 साल से यहाँ पर सरकार है, इसको कैसे आंकते हैं? ठीक है, बढ़िया है, विकास के नाम पर बढ़िया है। विकास के नाम? हाँ, बढ़िया। महंगाई कोई मसला है कि नहीं? कोई मसला नहीं है। कोई मसला? कोई मसला। तो महंगाई कुछ लोगों के लिए मसला है, कुछ लोगों के लिए मसला नहीं है। बिजनेस वगैरह कैसे चल रहा है? ठीक है दादा, चाय की दुकान में बिजनेस अच्छी है। बढ़िया चल रहा है। क्या चर्चा चल रही है आजकल? चाय के साथ बहुत चर्चा चलती है। चाय के साथ चर्चा तो कुछ भी नहीं है सर। लोग आते तो वो क्या कर सकते? अपना प्रोफेशनल देख रहे हैं। जैसे कि अपना काम काज के बारे में बस। अच्छा, आप जब वोट डालेंगे तो क्या चीज को दिमाग में रखेंगे? राज्य सरकार के कामकाज को आंकेंगे या विधायक देखेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो क्षेत्र तरीके से विधायक ही श्रेष्ठ रहता है। हाँ। विधायक जिस प्रकार से काम करे वो सही है। हाँ। बाकी तो बाकी राज्य सरकार जैसे भी है ठीक ही काम कर रही है। अब लोगों का तो है पॉलिटिकल इशू, जो भी है इशू बना सकते हैं। मेरे हिसाब से राज्य सरकार ठीक है। एक हिसाब से राज्य सरकार ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए। अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि माहौल बने, और जब माहौल बनेगा तब वो बोलेंगे। तो अभी इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर किसी नई जगह पर चलेंगे और लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक का मीटर क्या कह रहा है, किसके पक्ष में पब्लिक का मीटर है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर तीसरा फ्रंट बसपा और जनता कांग्रेस। तो अभी पब्लिक मीटर में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।